हम लोग अभी उड़ीसा में है और यहाँ पे एक अनोखी रेसिपी जो चिकन बांखिड़ी के नाम पे फेमस है। सुभाष ढल जी हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत ही अच्छे से, आप ग्रेवी देख सकते हैं कितना अच्छा है। चलिए भाई लोग देखेंगे कि इसका रेसिपी और ये कैसे प्रस्तुत किया जाता है। क्या बनाएंगे आप आज? बांखिड़ी जी। हम आके पहुँच गए हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक अनोखी चिकन बनता है जिसका नाम है बांखिड़ी। चलिए देखते हैं उसका प्रिपरेशन कैसे होता है। पहले जो भाई ने यहाँ पे सरसों का तेल पकाया, भैया कितना पकाया तेल? 1 किलो में 100 ग्राम। 1 किलो में 100 ग्राम तेल पकाया। मसल इसकी जो खुशियत है वो बिना मसले के ही बनते हैं। ये क्या डाले भाई आपने? शुगर डाले फिर भाई ने यहाँ पे। वो क्यों सर, क्यों भैया यहाँ पे शुगर डाल रहे हैं? थोड़ा सा कलर होगा। कलर होगा, अच्छी बात है। फिर भैया ने अभी डाला प्याज। भाई कितना प्याज डाला है आपने? 1 किलो में 250 ग्राम। 750 ग्राम? 250, 250। ओ अच्छा, भाई ने 250 ग्राम की प्याज डाला है अभी 1 किलो चिकन में। मसाला नहीं डालते हैं। अच्छा, इसमें मसाला नहीं डालते हैं। अच्छा, बहुत ही अनोखी स्वाद आएगा, देखते हैं कैसे बनता है वो। घानते जाइए, भाई ने घानता है अभी। नमक, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। ठीक है भाई, डालो। स्वादिष्ट के स्वाद अनुसार नमक डालते हैं आप। अभी थोड़ा घांट दिया है भाई ने, नहीं लगेगा इसलिए थोड़ा घांट रहे हैं। अभी भाई ने क्या डालना है भाई? कैप्सिकम। 1 किलो में कितना कैप्सिकम लगेगा? 100-150 ग्राम हो जाएगा। 100-150 ग्राम में काम हो जाएगा। ठीक है भैया। भाई ने देखिए यहाँ पे कैप्सिकम डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, लंका। ठीक है भाई, लंका डाल दिया। कितना लंका भाई लगेगा इसमें? 10-20 डाल दो। 10-20 लंके में हो जाएगा। और भाई ने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है जिसे कोई नहीं लगेगा। भाई क्या डालेंगे आप अभी? आलू। आलू, आलू डालेंगे। आलू थोड़ा पहले डाल रहा हूँ, इसलिए बाद में डालेंगे तो नहीं सीजेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको अच्छे से ग्राइंड कर रहे हैं भैया। भाई इस काम को आपको कितना साल हो गया है? मैं 5-7 साल से कर रहा हूँ। 5-7 साल से आप काफी युवा देख रहे हैं। कभी कभी कर लेता हूँ। अच्छा, ओ फिस्ट में कर के। अच्छा, आप ज्यादा फेमस हो गए हो इसलिए तो मैं उड़ीसा आया हूँ, बहुत दूर से। मैं राजस्थान से आया हूँ। उड़ीसा का खाना खा के जाओ। ठीक है भाई, बिल्कुल। ओ भैया क्या इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा 5-10 मिनट लगा देंगे? कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 15 मिनट में वो मसाला रेडी हो जाएगा। उसके बाद मिर्ची और ये हल्दी। बड़ी इंटरेस्टिंग लगता है आपकी जो उड़ीसा की चिकन। तो ये क्या है जो जिसमें आप डाल रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर कढ़ाई के नीचे क्या है? स्टोव है। वो काफी पुराना चीज लगता है। जी जी, यहाँ पे आप चिकन बनाते हैं सभी? अच्छी टेस्ट आएगा क्या इसमें? अच्छा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल। भैया अभी क्या डाल रहे हैं आप? ये कश्मीर चिल्ली पाउडर। और इसका क्या काम है उसमें? थोड़ा ज्यादा कलर अच्छा आएगा। अच्छा, कलर के लिए इसको डाल रहे हैं। वो एक पैकेट डाल देंगे उसमें? 5 रुपया पैकेट, 1 किलो में बहुत ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद क्या डाल रहे हैं आप? ये हल्दी। हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाइए क्या पाउडर है। ये हल्दी का पाउडर है। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये भी 5 रुपए का डाल जाएगा? ये भी 5 रुपए का। अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। उड़ीसा में 5 रुपए की सब चीज आते हैं क्या? 5 रुपए के सारे पैकेट मिल जाते हैं। वो अच्छी तो बात है। और उसके बाद उसको थोड़ा घांट देंगे। अच्छा, मिक्स कर देंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशबू आ रही है। ओह क्या स्मेल आ रही है। इसके बाद क्या पकाएंगे भाई आप? ये चिल्ली पाउडर। चिल्ली का पाउडर है? अच्छा, थोड़ा कम। हाँ जी, क्योंकि पहले आपने मिर्ची का जो लंका पकाया था। जी जी जी, बिल्कुल अच्छी है। उसके बाद सर्वी को मिक्स कर देना अच्छे से। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है। और भाई अब क्या डाल रहे हैं?
टमाटर टमाटर डाल रहे हैं। कितना टमाटर लिए हैं आपने? 100 ग्राम की 150 ग्राम की हो जाएगा। अच्छा, 100 की 150 ग्राम हो जाएगा एक किलो में। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। उसको मिक्स कर देंगे अभी। बहुत ही अच्छा है। और भैया, उड़ीसा में क्या क्या चीज मिलती है चिकन में? चिकन में बहुत ज्यादा आइटम मिलता है आपको। उसके इसके अलावा और कौन कौन आता है आइटम? इसके अलावा हमें तो और दो तीन प्रकार चिकन का आइटम आता है। ठीक है भाई, और एक बार जब आएंगे और दूसरा आइटम बनाएंगे आप खाएंगे। अभी भैया, मसाला को कितना देर लगेगा पकाने के लिए? ये 10-15 मिनट 10-15 मिनट में हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसमें चिकन डालेंगे। चिकन डालेंगे। अच्छा अच्छा भाई, इसके जो खासियत है देखिए, उसमें कुछ भी मसाला नहीं, जो कोई पेस्ट नहीं, सिर्फ यहाँ पे टमाटो डाला है भाई ने, कैप्सिकम डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है, और थोड़ा बहुत जो टमाटर की जो टमाटो डाला है। और भाई क्या डालना है? पाउडर डाला है। अच्छा, हल्दी का पाउडर डाला है भाई ने। भाई ने उसको मिक्स कर रहा है, वो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रहा है। ओ भाई, क्या टेस्ट है, कलर दिखा रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कलर आ रही है और खुशबू भी लाजवाब। आपको मानने पड़ेगा भाई के, मैं अपना नाम जान सकता हूँ? क्या नाम है आपका? सुभाष है। सुभाष, सुभाष चंद्र बोस है क्या आप? नहीं नहीं नहीं। और आपका टाइटल क्या है? थोड़ा। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब। और भाई ने इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स खत्म हो गया। खत्म हो गया भाई। और अभी क्या डालना है? अभी चिकन डालूंगा। चिकन डालना है। कितना किलो चिकन भाई है? एक किलो चिकन अभी उसमें भाई डाल दिया। बहुत ही अच्छा है। और भाई ने इसको अभी अच्छे से पेस्ट कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, मिक्स कर दो। और भाई ने देखो भाई, क्या लाजवाब दिख रही है। वाह भाई वाह। और भाई ने इसको अच्छी से अभी मिक्स कर दिया है। भाई कितना देर लगेगा वो सीजने के लिए? भाई 20 मिनट। वही 15-20 मिनट लगेगा इसको। भाई ने इसको अभी ढांक दिया है। भाई ढांकने से क्या होगा? कम समय में पक जाएगा। अच्छा, कम समय में वो पक जाएगा, अच्छी बात है। अभी अभी भाई ने इसको खोला है, देखते हैं कितना दूर गया है। ओ भाई, क्या खुशबू आया है। भाई इसका राज क्या है, वो जो इतना अच्छे से खुशबू आ रहा है? अच्छा, ऐसा ही है उसका टेस्ट, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। अभी भाई ने जो ढांकुनी को खोल दिया है, उसमें क्या लाजवाब की जो स्मेल आ रही है। वाह भाई वाह, देखिए क्या टेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, खुशबू बहुत ही अच्छा लगता है। क्या जो कलर है वो लाजवाब, लाजवाब, क्या कलर है भाई वो। अभी भाई ने जो ढक्कन खुला है, भाई ने वो क्या लाजवाब स्मेल आ रही है। टेस्ट भी देखिए भाई, मैं जूम कर लेता हूँ, एक बार टेस्ट देख लीजिए, क्या स्मेल, क्वालिटी देख लीजिए। भाई ने बोल रहे हैं क्वालिटी देख लीजिए। तो भाई बहुत ही फेमस है इस उड़ीसा में, नाम है उनका सुभाष धाल। भैया क्या नाम है? धाल धाल, सुभाष धाल है ना भाई का नाम। बहुत ही फेमस है वो भाई ने, भाई की भी एक होटल है, लेकिन आज रविवार है ना, वो भाई की होटल रविवार से बंद है। जो हम लोग जो राजस्थान में आए हैं, इसलिए भाई ने हमारे के लिए एक स्पेशल बंदोबस्त किया है। भाई को इनाम इसका मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, लाजवाब है, स्वाद है। एक बार ग्रेवी देख लीजिए, क्या कलर है भाई। भाई ने अभी अभी तक तो रेडी नहीं हुआ है, जो कोसा निकाल रहे हैं उसको भाई बोलते हैं, आप कोसा बोलते हैं ना। अच्छा, कोसा निकाल रहे हैं, कैसे स्वाद आया है, अभी टेस्ट करना है इसको, देखते हैं क्या कैसे बनता है वो जो ग्रेवी। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लाजवाब दिख रही है, उसकी जो कलर है वो बहुत ही खुश। वो क्या भैया, सचमुच आप बहुत ही फेमस हो इस उड़ीसा में, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, दिखते हैं। देखिए भाई, एक बार देख लीजिए कैसा दिखता है। वाओ भाई, सो यामी, सो बहुत ही गर्म है, फिर देख लेते हैं कैसा टेस्ट है। एक बार जो उसकी ग्रेवी है टेस्ट कर लेते हैं। वाव भाई वाव, सचमुच लाजवाब है वो।
क्या भाई आपने बनाया है? जो गर्मी है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन सब खत्म करके ही मैं आ जाऊँगा भैया। आपके लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं सब खा जाऊँगा, क्या बोलते हो? खाओ खाओ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आपने बनाया भाई, सचमुच बहुत ही अच्छा। देखिए भाई क्या लाजवाब है, उसके कलर देखिए। वाव भाई वाव, मानने पड़ेगा आपको सुभाष ढाल, आपको मानने पड़ेगा। क्या आपने चिकन भाई क्या डाल रहे हैं अभी? ये लास्ट में गरम मसाला, गरम मसाला डाल रहे हैं, चिकन मसाला और चिकन मसाला डालेंगे जी, जी बिल्कुल। वाव, उसके पड़ने से और ज्यादा टेस्टी आएगा, इसको अच्छी से मिक्स कर देना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और लास्ट में क्या डालने भाई? धनिया पत्ता, धनिया के पत्ते डालेंगे और इस टेस्ट को और ज्यादा टेस्ट करने वाला है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है भाई, लाजवाब लाजवाब। और सबको अभी भाई क्या करना है? एक मिनट के लिए रख देना है, उसके बाद ठीक है भाई। भाई ने अभी अच्छे से सजा दिया है। जो ये भाई देखिए, ये है उष्णा भात, जिसको क्या बोलते हैं, उष्णा भात ही बोलते ना उड़िया में, ठीक है। ये है अल्कोहल, नहीं भाई मजा कर रहा था, ये अल्कोहल नहीं है, ये आपका जो क्या है भाई, थम्सअप है। ये देखिए ये थम्सअप ही है, कोई डाउट नहीं होगा, ये थम्सअप ही है। और ये है आपका जो भाई ने क्या बोल रहा था, ये क्या बोल रहे थे इसको, बांखिड़ी, बांखिड़ी है वो। और यहाँ जो भाई ने सलाद को अच्छी तरह सजा दिया है, और देखिए ये हम लोग अच्छी से इसको सजा दिया है और बहुत ही अच्छा। देखिए भाई मैं एक एक करके बता देता हूँ, ये है जो सलाद है, ये है कौन इसको बोलते हैं, उसना भात बोलते हैं। और ये कलरा चिप्स है, ये आपका बांखिड़ी है, ये है, ये क्या है भाई, ये क्या है, पुटोलो कुरमा है, अच्छा। और ये तो हमारी जो स्प्राइट है और थम्सअप है, थम्सअप है, ठीक है भाई। और सुभाष भैया ने जिसको इतनी अच्छे से डेकोरेट किया है, जो उसका क्रेडिट उसको जाता है, ठीक है भाई। हम लोग टेस्ट करते हैं। और भैया इस खुशी में मैं आपको देखिए 2000 रुपया दे रहा हूँ इसमें, ठीक है भाई। ये धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप इतने हमारे लिए कष्ट किया है तो ये तो बनता है भाई, थैंक यू भाई। जो वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा लगता है वो जो चिकन है, भाई ने बहुत ही अच्छा से इसको बनाया है। वाव क्या टेस्ट है, लाजवाब, वाव वाव। ठीक है भाई, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल बटन को छुपा देना, और बेल, ओ भाई बोल रहे हैं बेल बटन को दबा देना, ठीक है भाई।